अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि यूएसए टिकटॉक अकाउंट कैसे बनता है, क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम का अकाउंट कैसे बनता है, अर्निंग टिकटॉक अकाउंट कैसे बनता है, डॉलर अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है, इसके कुछ स्टेप है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सबसे पहले आपने अपना जो पुराना टिकटॉक है इससे आईडी लॉग आउट करना है। ठीक है, अपने पुराने टिकटॉक से आईडी लॉग आउट करना है। टिकटॉक का आईडी कैसे लॉग आउट होता है, पहले ये टॉपिक है। टिकटॉक खोलना है, ठीक है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ऊपर तीन लकीरों पे क्लिक करना है और इसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा नीचे आना है, लॉग आउट, लॉग आउट पे क्लिक करना है। ठीक है, इधर से हमारा आईडी लॉग आउट हो गया है। अब दूसरे काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने कोई वीपीएन डाउनलोड करना है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में सर्च करना है सुपर वीपीएन। ये है सुपर वीपीएन, इसको डाउनलोड करना है या हेलो वीपीएन डाउनलोड करना है। ठीक है, ये है हेलो वीपीएन, ठीक है, इन दोनों में से एक वीपीएन डाउनलोड करना है और इसके बाद क्या करना है, सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाते ही ऐप लिखना है, ऐप सर्च करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, थोड़ा नीचे आना है, ऐप सेटिंग पे क्लिक करना है, दूसरा नंबर ऑप्शन है। अभी नीचे आते हैं, क्रोम, क्रोम पे क्लिक करना है, स्टोरेज एंड कैश पे क्लिक करना है और इधर से क्लियर करना है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं टिकटॉक पे, टिकटॉक पे क्लिक करना है, स्टोरेज एंड कैश पे क्लिक करना है, इधर से क्लियर करना है। ठीक है, अभी क्रोम पे जाना है और क्रोम में इन तीन लकीरों पे क्लिक करना है, हिस्ट्री पे क्लिक करना है और ये जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ठीक है, इसको क्लियर करना है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, अपना मोबाइल रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट मीन ऑफ करके ऑन करना है। ठीक है, मोबाइल रिस्टार्ट करने के बाद अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना वीपीएन ऑन करना है। ठीक है, दिस लोकेशन में यूएस न्यूयॉर्क पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी वीपीएन कनेक्ट हो गया। अभी आपने क्या करना है, गूगल अकाउंट बनाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर खोलना है। ठीक है, प्ले स्टोर खोलने के बाद ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करते ही इस डॉट पे क्लिक करना है, थोड़ा नीचे आके एड अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, साइन इन। ठीक है, अभी क्या करना है, अपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, फायर माई सेल्फ पे क्लिक करना है, इधर आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, इधर आपने अपना लास्ट नेम डालना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इधर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ मुंतखब करना है, जो भी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उसको ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आपने इधर अपना जेंडर लिखना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इधर आपने अपना ईमेल लिखना है, ठीक है, और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इधर आपने अपना पासवर्ड लिखना है और नेक्स्ट करना है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, अभी आपने थोड़ा नीचे आना है, यस आई एम पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी आपका गूगल अकाउंट बन चुका है, लेकिन एक बात याद रखना, ये गूगल अकाउंट उस वक्त बनाना है जब आपका वीपीएन कनेक्ट हो। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, आपने वीपीएन कनेक्ट करके गूगल अकाउंट बना दिया। अभी आपने क्रोम ब्राउज़र खोलना है, क्रोम के सर्च बार पे क्लिक करना है, सर्च बार में लिखना है tiktok.com। ठीक है, tiktok.com लिखते ही आपके सामने टिकटॉक ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, पहले देखना है कि आपके पास टिकटॉक का कोई आईडी तो नहीं है। प्रोफाइल पे क्लिक करना है और इधर से देखना है, इधर हमारे पास कोई आईडी नहीं है, अगर आईडी है तो लॉग आउट करना है। ठीक है, अभी आपने सिंपल साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपने जो अभी वीपीएन के जरिए जीमेल अकाउंट बनाया है, गूगल अकाउंट बनाया है, उसको मुंतखब करना है। ठीक है, इधर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने ओरिजिनल लिखना है, जो उधर अकाउंट में लिखा था, ठीक है, वही लिखना है और नेक्स्ट करना है। अभी आपने क्या करना है, इधर अपना यूज़र नेम डालना है। ठीक है, जो भी यूज़र नेम लिखते हो वही लिख दो और साइन अप करना है।
लॉग इन सक्सेस। अब हमारा आईडी इधर मुकम्मल तौर पे लॉग इन हो चुका है, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो कि अलीम खान 22 के नाम पे हमने आईडी बनाया है, ठीक है। और क्या करना है, इसको इधर ही छोड़ना है, ठीक है, और जाना है अपने टिकटॉक पे, इधर इसको लॉग इन करना है। पहले प्रोफाइल पे क्लिक करना है, इसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है, साइन अप के बाद गूगल पे क्लिक करना है। इधर भी वही अकाउंट मुंतखब करना है जिस पर अभी आप लोगों ने आईडी बनाया है, ठीक है। कोई और अकाउंट मुंतखब नहीं करना है वरना सारा काम गलत हो जाएगा। नॉट अलाउ करना है, ठीक है। अभी अलीम खान 22 आईडी हमारा बन चुका है। इधर आपसे नंबर मांग रहा है, एक फोन नंबर। इधर आपने नंबर नहीं देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, अभी जो गूगल अकाउंट बनाया है वीपीएन के जरिए उसके ईमेल पे रजिस्टर करना है, नंबर नहीं देना है, ठीक है। अगर पाकिस्तानी नंबर दिया तो सारा मसला गड़बड़ हो जाएगा। अभी हमने तो आईडी बना दिया, मेहनत भी बहुत किया, कोशिश भी बहुत किया, सोच भी बहुत किया। अभी देखना है कि इसमें वो मोनेटाइजेशन सिस्टम है, इसमें वो क्रिएटिविटी प्रोग्राम है, या इसमें वो डॉलर सिस्टम है। तो 3 लकीरों पे क्लिक करना है, इसके बाद क्रिएटर टूल पे क्लिक करना है, और इसके बाद नीचे आते हैं क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा, इस पर क्लिक करना है। अभी हमारे पास शो हो गया टिकटॉक क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा, ठीक है। इसमें 18 साल उम्र है, वो तो ठीक है। अभी 10,000 फॉलोअर और 1,00,000 व्यू होना चाहिए। जब ये कंप्लीट हो गया तो हम मोनेटाइजेशन के लिए फिर अप्लाई करेंगे। अप्लाई का तरीका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपने ये दो ऑप्शन कंप्लीट करना है, फॉलोअर और व्यू। ये था यूएसए टिकटॉक बनाने का तरीका, ठीक है। ये था डॉलर अकाउंट बनाने का तरीका, ये था क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम अकाउंट बनाने का तरीका जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसका मार्केट में आजकल 15,000 से लेकर 20,000 तक प्राइस होता है। लोग आपको कहेंगे कि हम आपको अकाउंट बना के देंगे 15,000 पे या 20,000 पे, लेकिन आपको सिखाता कोई नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले अपने भाइयों को सिखाना है। आप लोगों ने वीडियो पूरा वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैंने किया है आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत ईजी और सिंपल कर दिया है। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता वो कमेंट में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। अगर फिर भी किसी से नहीं बनता, 3-4 दफा आपने ट्राई कर दो, अगर फिर भी आप लोगों से नहीं बनता तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आपने मुझे बताना है, मैं अकाउंट बना के मुफ्त में आपको दूंगा, ठीक है। डेली एक अकाउंट बना के एक बंदे को दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, डेली एक अकाउंट। वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ताकि बाकी बंदों को भी इससे फ़ायदा हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।